कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू वासर सर क्या नाम बोला भाई अपन लोग ने कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो सुना है कैश इनफ्लो सुनो ना तुम लोग ने कैश इनफ्लो तुम लोग ने कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो सुना है कैसे निकालते हैं कैश इनफ्लो का प्रसेंट वैल्यू ये तो कितना दूसरे ईयर का मेरे को मिला मैं कर दूंगा वन प्लस डिस्काउंटिंग एंड रेस टू टू तो कोई भी चीज को अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते पब्लिक बराबर है सो so,

Well, the answer is yes. चला जो, standard deviation का प्रेज वैल्यू पे कैसे लेकर आएंगे तो for example, मेरा है को को मेरे को इसको present value पे लेकर आना है तो मैं कर देगा इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर रेस टू वन से नेक्स्ट ईयर गया से फिफ्टी फोर का स्टैंडर्डिएशन है ये वन का स्टैंडर्डियेशन है ये सेकंड का सो so वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर टू रेस्टू और और एक ले लो एटी वन स्टैंडर्ड डिविएशन थर्ड ईयर का अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर टू करेक्ट इट विल बी थ्री तो एफ ए करते करते वी विल गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रसेंट वैल्यूज इसमें कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है अगेन लॉजिक के लिए अपन लोग ने किया अब मेरे को फाइंड आउट करना है सपोज इसका वराय वराय का प्रेजेंट वैल्यू तो मैं क्या करूंगा तो देखो यूजुअली ये तो क्या हो जाता है अपन लोग कहना है इसे वराय बेटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ये चीज तो अपन सबको पता ही है तो अब यहां पे मेरा से फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है ये से मेरा ये स्टैंडर्ड डिविएशन है अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है आई इससे इसका स्क्वायर कर देंगे हम प्लस आई इससे मेरा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन टू है जो भी है अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर इसका स्क्वायर कर देंगे हम बराबर है सर प्लस से स्टैंडर्ड डिविएशन थ्री है भाई से स्टैंडर्ड है बराबर है इसका वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे अपन ये थर्ड ईयर का है सॉरी थर्ड ईयर का है इसका स्क्वायर कर देंगे अपन सो सो वराइंस कैलकुलेट करना है मेरे को तो खाली इसको ओपन करो बेटा इसको ओपन करो चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेता हूं अपन कॉमन पाथ पे रहे अब मैं इसको अगर ओपन करता हूं हेलो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा बताए स्टैंडर्ड डिविएशन वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ध्यान रखना आप लोग का बेसिक्स अगर मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग है तो ये वन है और ये टू है तो ये वन इंटू चू हो जाता है क्या आपको है ये बेसिक जी हाँ इसके बाद में आ जाता है अपन सेकेंड आ, इसके ऊपर सो इट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन टू का स्क्वायर अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी बेटा यहां पे टू था अब ये हो जाएगा टू इंटू टू ये जो टू है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड तीसरा वाला आ जाएगा का जो भी, है. Factor, ये भी ठीक है दर रेस टू थ्री अगेन मल्टीप्लाई बाय समझी कॉन्टेट गाइस तो जो भी आपका ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा मल्टीप्लाई बाय टू कर देना है जब मैं वराइंस कैलकुलेट कर रहा हूं जब मैं वराइंस कैलकुलेट कर रहा हूं बस इसको प्यार से कहते हैं हिलर्स मॉडल अगर आप लोग के पास मेरी ऑप्टिमाइज है देन इन दैट केस इसमें अपन लोग ने देखो हिलर्स मॉडल लिखा भी है 18 में ही था। आ, ये रहा एस पर हिलर्स मॉडल ठीक है So, नाम में कोई टेंशन नहीं लेने का अपने को तो समझने से मतलब है क्या आपको ये समझ में आया सर आ तो गया बट सर इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको चाहिए तो वो क्वेश्चन में करवा देता हूं ऑप्टिमाइज से चलो फटाफट अपन लोग उसको समझ लेते हैं सो दैट वी आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक अब बेसिकली इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट अगर मेरे को हिलर्स मॉडल कैलकुलेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूं क्या कर सकता हूं सर, सबसे पहले वराइंस का सबसे पहले वैसे भी अपन लोग तो अगर मेरे को इधर वराइंस का प्रसेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बेटा मैं कैसे करूंगा मैं बोलूंगा क्या स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर है उसका स्क्वेर अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर वन इंटू क्यू ठीक है सर समझ गए एकदम समझ गए सर कंटिन्यूइंग स्टैंडर्ड डिविएशन टू का स्क्वेर अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर बट इस बार क्यू इंटू च्यू समझ रहे ना आप लोग कौन सा वाला टू आ रहा है यहाँ पे प्लस 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 स्टैंडर्ड डिविएशन थ्री का उसका स्क्वेयर अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर बराबर है थर्ड है ये इंटू चू एवरीबॉडी फोर तो फोर इंटू टू अब अगर मेरे को मेरे को कोई बोलता है कि चलो स्टैंडर्ड uh, डिविएशन का प्रेसेंट वैल्यू निकालो ट विल इट बी ये जो मैंने कैलकुलेट किया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रसेंट वैल्यू ये जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है उसी का तो स्क्वायर रूट बनेगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन यार सो so, यहां पर मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन वन का स्क्वायर बस एक लास्ट परमिशन आप लोग से मांग रहा हो इधर स्टैंडर्ड डिविएशन वन के स्क्वायर के जगह पे मैं लिख सकता हूं वराइंस ऑफ वन अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू का स्क्वायर मतलब वराइंस ऑफ टू यू यार पब्लिक वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर टू इंटू टू प्लस वराय ऑफ थ्री अपॉन वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू यह आ जाएगा थ्री इंटू टू है समझी गई सो ये देखो इधर ये भी काम आ गया और ये भी हो गया दिस इज माई फाइनल फाइनल आंसर फॉर द हिलर्स मॉडल तो कभी आपको भूल डिविएशन का प्रसेंट वैल्यू निकालो आप क्या करोगे First का वराय तीसरे का वराय एंड यू विल कैलकुलेट आ जाओ एक क्वेश्चन के ऊपर जो ऑप्टिमाइज में है, आपको मिल जाएगा आपका आई uh, थिंक आपके मोड्यूल में भी आपको देखना है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन फाइव ऑफ योर मॉड्यूल स्टैंडर्ड द प्रेसेंट वैल्यू यही सेम क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है बस इसमें वो लोग ने बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्डिए प्रसेंट वैल्यू ध्यान रखने का स्टैंडर्ड डिविएसेंट वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड डिशन डिराइव फ्राम द करेक्ट वराय सो अपने को जब बोलेगा कोई कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो तो अपने को क्या करने का रूट ले लेने का फिर अपन लोग क्या करते हैं वराइंस करते हैं पहले का वराइंस बट बस डिवाइड बाय वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर वन इंटू ची सर फिर क्या करेंगे सर ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे सर वराइंस दूसरे का अपॉन सर वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर सर बस तो इन शॉर्ट अब मेरे को अगर ये देखो एंड में क्या है मेरे को भाव जी मेन क्या है मेरे लिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहा है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा हेलो बेटा वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं पहले वराय कैलकुलेट कर लूंगा सो so, देखो क्वेश्चन में मैं पहले वराय कैलकुलेट करूंगा ये रहा मेरा वो क्वेश्चन इसमें क्या मेरे को वराय कैलकुलेट करने को आता है आता है देखो ना अभी आप लोगों तुम लोगों को मैंने वराइंस कैलकुलेट करने को सिखाया था x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी सो ये देखो x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ये करते करते कैन आई से ये जो 185.25 है हेलो कैन आई से ये 185.25 ये मेरा वराइंस वन हो गया ये मेरा इधर मेरा 2 हो गया, तो मैंने इधर लिख लिया मेरा वराय वरास वन कितना था 185.25 एवरीबॉडी विद योर परमिशन गाइस विद योर परमिशन वन एटी फाइव पॉइंट टू फाइव वराय वन आया मेरा उसका रूट निकाल दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन खाली स्टैंडर्ड लोन स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो अब वैरायंस तो मेरा 185.25 है उसको मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है जब हिलर्स मॉडल में यूज करता हूं तो मैं क्या करता हूं वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर बराबर क्वेश्चन का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो क्या है बेटा क्वेश्चन का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो क्या है इट इज इट इज टेन परसेंट सो यहां पे अपन लोग क्या कर लेंगे बेटा वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं ले लूंगा पॉइंट वन बना रहे एंड एंड याद रखना वन इंटू टू प्लस वराइंस ऑफ सेकेंड पार्ट बेटा वराइंस ऑफ सेकेंड पार्ट क्या है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है दिया हुआ है दिया हुआ है मतलब अपन लोग ने फाइंड आउट कर लिया है. वारियर्स ऑफ सेकंड पार्ट अपन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है सर 95.25 हम इधर आ जाएंगे सीधा हम लिख लेंगे 95.25 बराबर है डिवाइड बाय बस 1 प्लस 0.1 2 इनटू 2 4 हो जाएगा और तीसरे वाले में 1.1 रेस टू सिक्स हो जाएगा इसका भी मेरे पास है 35.25 वो मैंने ले लिया 35.25 उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ दूसरे का उसको present value पे ले आओ Q4, Q6, थ्रू ये मैंने आप लोग को इधर लॉजिकली समझा दिया है बस अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल तो कैफा लगा यार कमेंट चाहिए तुम्हारे लाइक्स चाहिए तुम्हारे कि यस अच्छा लग रहा है सर एंड दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन अब यही सेम सोल्यूशन आपको मॉड्यूल uh, में मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व